long and short, near and far, same and different, more and less, fast and slow, in front of, behind, means front and behind. बच्चों मैं आपको आज बताऊंगी लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, जैसे ट्रेन बहुत लंबी होती है, उसके सामने शॉर्ट, जैसे कार उसके सामने चलती है तो शॉर्ट होती है कार. ये हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट. जैसे स्टिक होती है, स्टिक बहुत लंबी होती है स्टिक. और देखिए ये बच्चों, देखिए ये स्टिक क्या है, लंबी है, ये है लॉन्ग. इसके सामने पेंसिल शॉर्ट है. ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया शॉर्ट. लॉन्ग मीन्स होता है लंबा एंड शॉर्ट मीन्स होता है छोटा. जैसे स्टिक देखिए बच्चों, ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट. लॉन्ग एंड शॉर्ट. ट्रेन, आप लोग ट्रेन में घूमे, ट्रेन बहुत लंबी होती है, उसके सामने जो कार ऑटो कुछ भी चलता है तो क्या होता है, वो शॉर्ट होता है. तो ये हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट, नियर एंड फार. सेकेंड क्या है, नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर. नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर. नियर मीन्स देखिए, देखिए है नियर, ये है पास, दूर. फार मीन्स होता है दूर. नियर फार. नियर जैसे ये, जैसे ये हो गया मार्कर, ये मेरे पास है और ये मार्कर दूर है, तो ये हो गया नियर और ये हो गया फार. नियर एंड फार. नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर. नियर एंड फार. हो गया सेम एंड डिफरेंट. सेम मीन्स होता है एक तरह के, जैसे होते हैं, जैसे कोई लड़की है तो एक ही तरह के फ्रॉक पहनी रहती है तो हो गया सेम. जैसे कोई जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो होता है सेम. और ये है डिफरेंट. डिफरेंट मतलब अलग होता है. डिफरेंट मीन्स अलग. देखो भैया ये बच्चों, ये है, ये क्या है, ये है सेम और ये है डिफरेंट. ये हो गया सेम मतलब एक तरह है, ये डिफरेंट मतलब ये अलग है, इस सबसे ये अलग है. ये हो गया डिफरेंट. सेम एंड डिफरेंट. बच्चों समझ में आपको, मतलब सेम मीन्स होता है एक तरह. जैसे हम लोग ड्रेस में ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो देखो बच्चे एक तरह लगते हैं, उसमें कोई यूनिफॉर्म विदाउट यूनिफॉर्म के रहता है तो वो अलग रहता है, वो डिफरेंट रहता है. तो ये हम लोग का हो गया सेम एंड डिफरेंट. मोर एंड लेस. मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम. बच्चों समझ में आया, मोर मीन्स ज़्यादा होता है एंड लेस मीन्स कम. जैसे ये हो गया, ये सारे देखिए पेन पेंसिल लगे, क्या हो गया, मोर है ये. और इसमें एक रह गया, ये है लेस, ये कम है. ये है मोर और ये है लेस. मोर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, लेस मीन्स कम. मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम. जैसे ये सारी बुक है, ये क्या है, मोर है ये ज़्यादा है. और ये बुक वही है, ये क्या है, लेस है, ये कम है. ये हो गया मोर एंड लेस. मोर मीन्स ज़्यादा एंड लेस मीन्स कम. फास्ट एंड स्लो. फास्ट मीन्स होता है तेज और स्लो मीन्स होता है धीमा. फास्ट एंड स्लो. जैसे ट्रेन बहुत तेज चलती है, उसके सामने जो ऑटो ऑटो चलती है वो स्लो चलती है. जैसे बाइक बहुत तेज चलती है और साइकिल बहुत स्लो चलती है, तो हो गया फास्ट. बाइक फास्ट चलती है और साइकिल उसके सामने स्लो चलती है, तो हो गया फास्ट एंड स्लो. फास्ट मीन्स बहुत तेज से, स्लो मीन्स जो धीमे धीमे चलता है, वो हो गया स्लो. इन फ्रंट और बिहाइंड. फ्रंट मीन्स होता है आगे, बिहाइंड मीन्स पीछे. फ्रंट समझ में आया बच्चों, फ्रंट मीन्स होता है आगे. जैसे हम किसी वॉल के मतलब खड़े हैं, तो जब आगे होते हैं, खड़े रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट. और जब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो उसे क्या, वॉल के पीछे जब खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, बिहाइंड. तो ये क्या हो गया, फ्रंट और बिहाइंड. जैसे ये बुक है, ये बुक हो गई, ये बुक हो गई, जो ये बुक के ये आगे, ये क्या है, फ्रंट है. ये हो गया आगे हो गया, तो ये है फ्रंट. अगर ये पेंसिल पीछे हो जाएगी, नहीं दिख रहा है बच्चों, ये हो गया बिहाइंड. बिहाइंड मीन पीछे. जैसे बुक के आगे हो गया फ्रंट, पीछे हो गया बिहाइंड. फ्रंट एंड बिहाइंड. बच्चों आप लोगों को समझ में आया, फ्रंट एंड बिहाइंड ये हो गया. और फिर से एक बात दोहरा रही हूँ, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा एंड शॉर्ट मीन्स होता है छोटा. नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर. सेम मतलब एक तरह, डिफरेंट मीन्स अलग.
ज्यादा, लेस मीन्स कम, फास्ट मीन्स तेज, जो बहुत तेज से चलती है ट्रेन, एंड स्लो, उसके सामने कारों और धीमे चलती है, इन फ्रंट और बिहाइंड, फ्रंट मीन्स होता है आगे एंड बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।